देखिए आप लोग जिस जानकारी के लिए पधारे हैं तो थोड़ा मैं इस फिलॉसफी पर प्रकाश डाल दूं ताकि इस रास्ते पे आपको चलने में सुविधा होगी। ये हमारा भारतीय योग दर्शन है। भारतीय योग दर्शन का मतलब है, योग का मतलब है प्लस आत्म साक्षात्कार। पातंत्र योग दर्शन आप उठा के देख लो, उसमें रोग शब्द नहीं मिलेगा। वो तो मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है गुरु, तो जब तक शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक कोई ध्यान है ना कोई योग है। योग में एक टर्म से उन्मना बनो, मतलब मन जो है बिल्कुल शांत जब तक नहीं होगा ध्यान योग कुछ भी नहीं। दूसरा उसमें चार पाद है, चार चैप्टर है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में 24 से लेके 29 सूत्र तक ऋषि ने साफ शब्दों में कहा है हरि नाम के जब से जब के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होगा। नाम जब के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होगा, पातंजलि योग दर्शन मानता है, समझे। और योग दर्शन ये भी मानता है कि उस नाम जब से सारे कष्टों का अंत होता है। इस बारे में स्पष्ट कहा है ऋषि ने, भाई जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, मगर नाम जप के बाद में आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता। ये पातंजलि ऋषि ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है ना, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये हमारा दर्शन जो है एक ऐसा अजीब दर्शन है जो जीवन की सभी समस्याओं का अंत करता है। नाम जप और ध्यान दो तरह की प्रक्रिया है हमारे इस दर्शन में। हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा, समझे। बाहर से आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रोग खत्म करता हूं। मैं तो एक मंत्र दीक्षा देता हूं ईश्वर के नाम जप की, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो कुंडलिनी जो योग करवाती है, जागृत कुंडलिनी साधक का मन प्राण बुद्धि और शरीर अपने बस में कर लेती है, वही योग करवाती है जिसकी उसको जरूरत है। जो सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टोन अप करती है, और जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया चलती है, समझे। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं सारे। दूसरे जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग 80% बीमारियां मानसिक रोग से होती है, मेंटल टेंशन से होती है 80%। वो जब तक खत्म नहीं होंगे, टेंशन खत्म नहीं होगा, वो रोग खत्म नहीं होंगे। अब वो डॉक्टर जो दवाई देते हैं, नशे की दवाई देते हैं, जब तक नशा रहता है वो तनाव शांत, जो ही नशा उतरा वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा, वैसी की वैसी स्थिति फिर आ जाती। नशा तो हम भी करवाते हैं मगर वो राम के नाम का नशा करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है। इस संबंध में नानक देव जी ने कहा, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, दिन भर पियो श्याम को सुबह सुबह नशा खत्म, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
कबीरदास भी यही बोलते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये नाम का नशा होता है, भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है गीता में। पांचवें अध्याय में एक श्लोक है, उसने इसको दिव्य आनंद कहा है। छठे अध्याय में चार श्लोक है, 15वां, 21वां, 27, 28, उसमें उसको अक्षय आनंद कहा है, अनंत आनंद कहा है, अद्वितीय आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद आता नहीं ना, तब तक मनुष्य गलती से भौतिक सुख को आनंद मान बैठता है, समझे। अब ये बच्चे बैठे छोटे, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आ रहा, मगर ये 20-25 साल के हो जाएंगे तो फिर किसी और बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसे 60-70-80 के हो जाए तो फिर और किसी बात में आनंद आएगा। वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है भाई, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, ईश्वर ध्यान से नहीं जानते, अक्षय आनंद है, इसका अक्षय नहीं होता। पर ठीक है, एक कलयुग के गुणधर्म के कारण से एक हमारा देश जो एक पतन के काल से आ रहा था, गुजर के आ रहा था, ये आपका ही लोगों ने इस दर्शन को बहुत डैमेज किया, हमारे ग्रंथों को जला दिया। मेरे श्री अरविंद ने कहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिकता तो बहुत जीत थी इस देश में, अंग्रेजों के आने के बाद में तो ठोस जम के, मतलब सॉलिड हो गई, इतना अंधकार है इस देश में। तो मैं जो कर रहा हूं उसमें बड़े परेशानी है लोगों को, जिस काम को विज्ञान नहीं कर सकता, ये कैसे कर रहा है। पश्चिम कहता है हम तो अप्लाइड साइंस में विश्वास करते हैं। मैंने कहा मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं किया, मैं तो केवल भगवान के नाम से रिजल्ट दे रहा हूं, आ जाओ। मेरा एक वेबसाइट है, उसको देख के ये कनाडा से आया एक्टर, ये ईसाई है, तस्वीर का ध्यान किया, योग होने लग गया, वो एड्स थी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। तो ये कहता मैं तो वहां जाके इसका प्रचार करूंगा। तो ये भारतीय योग दर्शक है, समझे। तो एक प्राति अच्छा डॉक्टर जो कहते हैं जी अब सारे नशे छूट जाते हैं, ये आश्चर्य है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद कहीं स्पीच दे रहे थे, तो एक अमेरिकन ने खड़ा हुआ, कहने लगा जी महाराज आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी और हम सारे के सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट गिव द थिंग, द थिंग्स विल गिव अप, मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी। तो ये परिवर्तन जो आएगा आप लोगों में उस हिसाब से आएगा, नीड वो वस्तुएं आप वृत्तियां बदल जाएगी। तीन वृत्ति त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो इस नाम जो पहली ईट तो तामसिक ग्लैंड्स पे होती है, वो सबसाइड हो जाती है। जो अंदर मांग कर रही थी ग्रंथियां नशे वगैरह की मेटर आपकी, वो बिल्कुल शांत हो जाती है, फिर डिमांड नहीं होती। तो डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है भाई। जब तक मैंने विज्ञान को कहा है आपकी साइंस डिमांड को खत्म नहीं कर सकती, आप जबरदस्ती उस नशे को छुटवाते हो। 2-3 महीने रखा हॉस्पिटल में, पीने नहीं दिया शराब मीट वीट खा, वो अफीम नहीं खाने दिया, वो जो ही बाहर निकला को पहले वाला एरियर क्लियर कर देता, नहीं छूटती। तो अब ये विज्ञान वाले अब तो ये तो कहते हैं जी ये तो छूटता है, छूट गया। मगर आप बताओ कि ये आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ गए, आज तक 20 साल तक जो अफीम खा रहा था उस जहर का असर कहाँ गया। अब ये रियलिटी है, लाखों को छूटे हैं, विज्ञान अब तो चुप है, बोलता नहीं, लिस्ट है उनके पास। बाड़मेर में तो 15% अफीम चाहिए लोग टोटल, और हजारों का छूट गया। वो कहते हैं जी आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ गए। मैंने कहा भैया मैं आपके इस आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता, वो तो डिमांड थी। मैंने कहा जी मैं अफीम खाता हूँ, मान लो सुबह खाया चाय पी स्फूर्ति आई काम करने लग गया, तो वो तो आर्टिफिशियल डाला हुआ है, वो तो निकल जाएगा पेशाब में पसीने के साथ। तो शाम को फिर डिमांड हुई तो मुझे खाना पड़ा,
तो ये डिमांड हुई, ये आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। फिर आफ्टर इफेक्ट्स हो तो 20 साल से अफीम खा रहा था और 7 दिन में छूट गया, ये क्या करिश्मा है। हमने ये वृत्ति बदलती है, पहले पहले तामसिक ग्लैंड शांत होती है, फिर राजसिक वृत्ति शांत होती है, आदमी पूर्ण रूप से सात्विक हो जाता है। वो वृत्तियां बदलती है। पातंज ऋषि ने भी कहा है कि ये वृत्ति जात्यांतरण की बात कही है, ये जातियां जब तक नहीं बदलेगी सीधा तमोगुण से आप सतोगुण में नहीं जा सकते, ये स्टेप बाय स्टेप आपका विकास होगा। अब हो रहा है, विकास हो रहा है, नशा छूट रहा है, शराब छूट रही है। तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ दीक्षा के प्रोग्राम में कि आज ही पी के बता देना शराब, हिम्मत है तो, समझे। और नाम जब शुरू करने के बाद में जब नाम वाला नशा चढ़ जाता है, फिर बाकी नशे की कीमत ही नहीं होती, तो ये नशा छूट रहा है। कुंडलिनी योग करवाती है, उससे शारीरिक बीमारियां खत्म, मानसिक बीमारियां खत्म, नशा छूट गया। तो एक विकास है, ये भारतीय दर्शन का विकास है। तीसरा चैप्टर है विभूति पाठ। साधक जब नाम जप और ध्यान करता है, ये कुंडलिनी देखिए ऊपर उठती है, रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में जिसे डॉक्टर सैक्रम कहते हैं, 3.5 घंटे लगा करके सोई रही होती है, उसको चेतन करके ऊर्ध गति प्रदान करते हैं, वो गुरु करता है, उसमें कंट्रोल रहता है गुरु का। अगर गुरु वास्तव में गुरु है, आजकल तो गुरुओं के बाढ़ आ गई, समझे, पुत्र मार तो गुरु के सिर पर पड़ेगा, ऐसा प्रोफेशन है, आशीर्वाद ही देना है, बाकी सब लेना ही लेना है, समझे। तो भाई ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, ये हमारे योग दर्शन के हिसाब से आ रहा है। जब आप ध्यान करोगे, इसमें दो विधि है, एक तो नाम जप, एक ध्यान। जब आप ध्यान करोगे तो आपके उस नाम से, देखिए नाम चाबी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पा रहा। तो इसलिए उस नाम से जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उसमें फिर नाम जप के साथ ध्यान करना होता है। मतलब ये जो ज्ञान है बड़ा, मतलब शास्त्रोक्त ज्ञान है, इसमें कोई कल्पना का गुंजाइश नहीं है। लोग कल्पना करवा रहे हैं, मैं जानता हूं, आपको तो कल्पना आती है, शक्ति से जुड़ना है। तो इस प्रकार यहां 9 द्वार जो है माया के, आंख नाक मुंह वगैरह वगैरह, और ये 10वां द्वार जिसको शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो 10वां द्वार जो है वो एंट्रेंस है, बाकी तो सब EXIT है। तो ये जब तक नहीं खुलेगा, तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, कोई योग है नहीं, ध्यान है, ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। नानक देव जी ने साफ कहा है कि गुरु ही इस द्वार को खोल सकता है, और ये नहीं खुला तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो सारा कुछ अंदर है, फिर उससे आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ ध्यान करो, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही हो गया, तो यहाँ मन नहीं रुकता, फिर गुरु को देखो, समझे। गुरु क्या है, गुरु तो आकर्षणी गुरु है, ये शरीर थोड़ा है गुरु, ये तो कल मरेगा। वो गुरु तो आपके अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है। हमारे धर्म में मतलब टाइम एंड स्पेस की कोई कीमत नहीं है, सारा ब्रह्मांड अंदर है, तो फिर आप मैं, आप मेरे अंदर, मैं आपके अंदर। इसीलिए अमेरिका में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए लोग ध्यान कर रहे हैं और योग हो रहा है, तस्वीर से योग हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा तस्वीर से योग क्यों हो गया। तो इस प्रकार जो है, अब ध्यान के दौरान कुंडलिनी ऊपर उठती है, 5 प्रकार के वायु होते हैं योग में, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे के डिस्टेंसेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठ सकती। ये मतलब पूरा साइंटिफिक विज्ञान है, हमारा धर्म पूरा साइंटिफिक है।
आप देखते हो रॉकेट ऊपर जाते हैं, नीचे स्पार्क होता है तो वो ऊपर बढ़ता है। इसी तरह से कुंडलिनी जब तक ऊपर नहीं उठ सके कि नीचे से कोई पूछ नहीं लगे, तो पहले साधक जो है उसमें मूलाधार में तीन बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग जाता है, पहले पहले आसन बदलता है। आपको किस आसन में बैठने की जरूरत है वो अपना आप बदल जाएगा। आप तो केवल यहां ध्यान करोगे, जो गुरु ने बताया उसको जपोगे, इससे आगे आपकी ड्यूटी खत्म। अगर गुरु में कुछ गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा, नहीं तो भाई बैठे रहो जी उन्होंने राख बंद किए। मैं तो कहता हूँ दूसरा गुरु देखो, समझे, दूसरा गुरु जो है दूसरा जन्मदाता होता है। पहले जन्मदाता भौतिक माता पिता और आत्म साक्षात्कार करने वाला गुरु। तो मैं आपको कुछ नहीं देता, आपके पास जन्म से सब कुछ है। मैंने गुरु कृपा से जो विकास कर लिया वो आप भी कर सकते हो, ये किसी की बपौती नहीं, ये तो मनुष्य में होने वाला ड्यू विकास है। ये कोई मेरा खिला, अभी नायडू साहब आए थे हिंदुस्तान पत्र के संवाददाता में, जयपुर प्रोग्राम थे, तो जब एड्स कैंसर के केसेस देखे नेगेटिव पॉजिटिव, तो उन्होंने लिख दिया ये वंडर थेरेपी है, वंडर थेरेपी, और एड्स खत्म हो रही है। पश्चिम का विज्ञान कहता है ये मिराकल है, मिराकल है। मैं उनको कहता हूँ ये तो न तो वंडर थेरेपी है न मिराकल है भाई, ये तो भारतीय दर्शन के अनुसार होने वाला ड्यू विकास है, समझे। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, जब वो शरीर की रचना की व्याख्या करता है तो कहता है सात प्रकार के सेल से ये शरीर बना। पहले वो मैटर से स्टार्ट करता है, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष चेतन कर दिया पश्चिम ने, परंतु मानव की समस्या को अंत नहीं कर पाए। अब वो दबी जबान से स्वीकार तो करने लगे कि कष्टों से छुटकारा पाने का रास्ता और भी हो सकता है, मगर हिम्मत नहीं हो रही खुल के स्वीकार करने की, और करना पड़ेगा। तो फिर आगे तीन कोष और अभी चेतन नहीं हुए, आनंदमय कोष, चित्तमय कोष, सत्यमय कोष, जिसे हम सतीजानंद कहते हैं, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। ये कोष चेतन होने शुरू हो गए। आनंदमय कोष को तो चेतन किया है हमारे एक ऋषि ने, याग बालक ने, मगर सत और चित्त अभी अनट्रस्ट है, वो गुरु कृपा से चेतन होने लगे। तो मैं जो काम कर रहा हूं वो एक शैव दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, समझा। भारतीय अब शैव दर्शन है, एक कश्मीरी शैव दर्शन है। अब कश्मीर का नाम लेते हो हिंदू मुसलमानों के झगड़े के अलावा कुछ कुछ भी नहीं आता। कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के पांच काम है, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो ये पांचवा काम जो है भगवान का गुरु करता है। गुरु जब अनुग्रह करके दीक्षा देता है तो साधक को अपनी और पूरे विश्व की वस्तु स्थिति की जानकारी हो जाती है। वहां जाति धर्म गौण है कोई मतलब नहीं था, वो मानवीय विकास है। अब मैं कश्मीरी शैव दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे माध्यम से हो रहा है, मगर बोलता तो गंगाई नाथ महाराज है। इनसे दीक्षा नहीं लेता कुछ भी नहीं था भाई। मैं तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु के बिना इस लाइन में नहीं चल सकते, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं समझ पा रहा था ये गंगाई नाथ जी क्या देंगे लेंगे, इनके पास क्या है, परंतु जो उन्होंने चेतना जागृत करती, मैं तो उनका मायक हूं भाई। मैं दिख रहा हूं आपको मगर बोल हो रहा है। आपको बताऊं स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण देता हूं। स्वामी जी ने अमेरिका में जो ज्ञान था वो तो बोल दिया, अब वो आगे प्रोग्राम हो गया, वो ऑफ हैंड चले गए, नहीं समझ पा रहे थे क्या बोलूंगा।
फिर जब नीचे उतरे स्टेज पे तो उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पाऊं मैं पा रहा हूं कि मैंने क्या बोला, क्योंकि ज्ञान तो सारा खत्म हो गया था समझे। पर यह बात अब समझ में आई कि तालियां ज्यादा बढ़ी तो बोल रहे थे रामकृष्ण परमहंस, तो ये गंगाईनाथ बाबा बोल रहा भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो नौकरी करता था रेल में। इसने कहा कि आगे का काम तू कर, तो रिटायरमेंट लिया 7-8 साल पहले, तो डिपार्टमेंट बदला है, अब नौकरी है गंगाईनाथ की, पहले थी रेल की, उसमें तो अभावों के अलावा कुछ भी नहीं था, अब कोई अभाव नहीं। तो ये एक हमारा दिव्य विज्ञान है भाई, ये मानवीय विज्ञान है, ये मानवीय दर्शन है। वृत्तियां बदल जाती है, खान पान बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है, हमारा दर्शन इसको द्विज कहते हैं, द्विज बनता है। तो मैंने तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाना है, देना लेना कुछ नहीं है, आप जन्म से पूर्ण समझ नहीं पा रहे क्या हो। तो ये एक ऐसा दर्शन है, अब वो तस्वीर से योग हो रहा है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रही कि आज तक नहीं हुआ किसी की तस्वीर से, इसका कैसे हो रहा है, मगर पूरे विश्व में हो रहा है। मैंने मेरे मिशन भेजा था इजराइल, वो तो तस्वीर को मानते नहीं, आज 10,000 लोग तस्वीर से ध्यान कर रहे हैं, योग हो रहा है, और बहुत अजीब अजीब बीमारियां ठीक हो रही है। तो ये एक ऐसा दर्शन है, एक मानवीय दर्शन है, और ये विश्व दर्शन होगा। मैंने कई दफे कहा कि ये मतलब दर्शन जो है ये विश्व दर्शन होगा, मगर सबसे ज्यादा इस देश के लोगों को परेशानी समझो, विदेशी तो मान रहे हैं, मगर इस देश वाले परेशान है, ये क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी ये कि पैसा नहीं लेता। मैंने कहा जी राम का राम है, इसको कैसे बेचूं, हाँ इसकी न कोई कीमत दे सकता है न ले सकता। मैं बॉम्बे में प्रोग्राम कर रहा था मैरिन ड्राइव पे भारतीय विद्या भवन में, तो गुजराती ने कह दिया गुरु जी पैसे के बिना चलेगा ही नहीं, ले लो। मैंने कहा अच्छा लेते हैं, कितना ले, एंट्री फीस ले लो, व्यवस्था कर रहे हैं उसकी ले लो। बोला कितना ले बोलो, कह लो जी कम से कम 1100 रुपया। मैंने कहा अगले प्रोग्राम से शुरू कर दो, एक बात और बता दो कितना आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कहने लगे जी ये बात तो गड़बड़ है, संतोष तो नहीं होगा चाहे कितना आ जाए। तो मैंने कहा भैया इस जीवन की, इस शरीर की एक सीमा है, ये एक क्षण नहीं आगे जिंदा रहेगा, और मेरे को एक आदेश की पालना नहीं करूंगा, मुझे तो नरक में ही जगह नहीं मिलेगी। मैं तो उस वक्त कहा था, मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा खाली जेब जाऊंगा, और आज कहता हूँ खाली जेब जाऊंगा समझे। अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे, एक तो 1906 में प्रकट हो गया और दूसरे में भविष्यवाणी है अरविंद की कि वो संजीवनी मंत्र होगा, वो मोस्ट सीक्रेट होगा, माइस्टिक होगा, परंतु अभी नॉट येट रिवील, वो अंदर से इंस्पायर्ड होगा। संजीवनी मंत्र इसलिए का कि हनुमान जी लाए थे संजीवनी मूर्ति लक्ष्मण के लिए, बेहोश हो गया था, मरा नहीं था, मर गया तो जिंदा नहीं होगा, मगर जिंदा है तो उस मंत्र से मरेगा नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं जो दीक्षा लेने आते हैं कि एड्स कैंसर से नहीं मरोगे अगर इस नाम को जपते रहे। अरविंद ने उसे सुपरामेंटल फोर्स कहा है, कृष्ण को कहता है सुपरामेंटल फोर्स, और आज तक कोई नहीं मरा, गांव वाले ज्यादा मर जाते हैं, वो बेचारे अनपढ़ होते हैं तो किसी माता जी के पास ले जाते हैं, कोई भैरव जी के पास, कोई हनुमान जी की सेवा कर मिट जाएगा, 7 फेरी लगा कि 10 फेरी लगा, वो ध्यान और नाम जब छोड़ देते हैं चले जाते हैं। बाकी शहर का बुद्धिजीवी समझ जाता है, फिर नहीं मरता, एक नहीं मरा। और मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ ये संजीवनी मंत्र अगर जपोगे तो नहीं मरोगे। दो केस का उदाहरण दूँ, पहला 2003 में एक जोधपुर के मथुरदास हॉस्पिटल में एडमिट था, भंवरलाल नाम का,
तो उसके ड्रिप लगी हुई थी बंद हो गई, तो डॉक्टर ने कहा ले जाओ दो चार घंटे में जाएगा। जब HIV पॉजिटिव आया उस वक्त उसका वजन था 65 kg और घटते घटते 40 kg आ गया, आज वो 90 kg का है। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसने कहा जी आपके पास लाए, मैं जब अस्पताल से घर लाया स्ट्रेचर में तो रोड़े कुकड़े लगे, 35 साल का जवान था, तो मैं समझ रहा था कि ये क्योंकि मैं मरने जा रहा हूँ इसलिए रो रहे, ये उसने खुद बताया। मेरे में इतनी ताकत थी कि मैं सुन सकता था समझ सकता था। तो सुबह बृहस्पतिवार था, स्ट्रेचर पर ला कर लेटा दिया आश्रम के बरंडे में, मैंने जो नाम बताया उसको मन ही मन जपने लग गया, जपने लग गया, मैंने 1.5 महीने वो बिल्कुल क्योर हो गया। पॉइंट दैट से लोग लौट गया क्योंकि संजीवनी मंत्र जपना शुरू कर दिया उसने। दूसरा एक और आया वही जोधपुर का मथुरादास हॉस्पिटल का, वो केवल मेरी तस्वीर के ध्यान से क्योर हो गया 2003 में, कोटा में आकर उसने दीक्षा ली थी, मगर उसकी दवाई बंद हो गई और वजन बढ़ने लग गया, दीक्षा के से पहले 8-10 kg वजन बढ़ गया। तो ये तस्वीर वाला आने का जो लोगों को समझ नहीं आ रहा, अब हैरान है कि ये निर्जीव मैटर तस्वीर तो ये सजीव जीवात्मा का फायदा कैसे कर रहा है, क्योंकि देखो हमारा दर्शन ये विकास है जी, ये मेरे में विकास जो हुआ ना, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी तरह था, गुरुदेव की कृपा से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेरे को ज्योतिषी ने बताया आपको मार्केश की दशा है, मार्केश की दशा है। मैंने कहा वो क्या होती है भाई, कह लगा मौत है, तो मैंने कहा वो तो सबको आती है मेरे को भी आएगी, तो कहने लगे जी बचा भी जा सकता है, तो कहा गायत्री का अनुष्ठान करो पुरुषचरण करो, किया साहब, एक तरफ मौत कड़ी थी, एक तरफ उस 5 मुंह की तस्वीर से प्रार्थना थी कि बचा ले, और आज सोच रहा हूं कि 1.25 लाख जब से नहीं एकाग्रता से हुआ परिवर्तन, और मैंने उस मार्केश को मार दिया, आज भी जिंदा बैठा हूं आपके सामने। तो इसलिए ये जो परिवर्तन मेरे में आया ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब आखिरी दिन था नहीं आज नहीं जपना है तो ध्यान लग गया, तो क्या देखता हूं कि ये पूरी बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, एक दिव्य मतलब दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, शरीर का कोई अंग नहीं दिखे मुझे, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, लीवर कहाँ गया, किडनी कहाँ गई, हार्ट कहाँ गया, ये सब हो गएगा, गायब कैसे हो गए, बहुत सोचता रहा, मैं दिखता तो आंख से ही अंदर कैसे दिख गया, रियलिटी है मेरे जीवन की। फिर अचानक एक भंवरे की गुंजन पेट में सुनाई दी, मैंने कहा पेट में भंवरा ही क्या बात है, जब उसमें कंसंट्रेट हुआ तो देखा कि नाभि से वो मंत्र जपा जा रहा है गायत्री मंत्र विदाउट ब्रेक, तो पहला विकास उससे हुआ, ये गुणांतर में हुआ। फिर मैंने सोचा कि मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है, मैं नहीं जानता था मंत्र अंदर क्या होता है, गायत्री का अर्थ भी नहीं जानता था, उस दिव्य प्रकाश को अंदर धारण करने की प्रार्थना है, लोगों का आश्चर्य हो गया, ये तो सिद्धि होगी आपको, फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए। फिर मैंने कहा ये मंत्र वाला रंगा कुछ है तो सही, तो कृष्ण का मंत्र जपा गुरुदेव की कृपा से, देख गुरु धारण करने के बाद में, तो 84 में उसकी भी सिद्धि हो गई। तो आप इसको देखिए फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अरविंद ने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो शर्तें हैं हमारे धर्म में, देखिए दो रास्ते हैं मुक्ति के, एक तो मंदिर मार्ग के लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, वो ये थोड़ी समझते हैं कि बेवकूफी की बात है, कोई नहीं जाएगा, आस्तिक लोग जाते हैं,
और मुक्ति पाते हैं। दूसरे लोग संन्यास वाले जो गुरु धारण करते हैं, मंत्र जपते हैं, वो भी मुक्ति पाते हैं। तो मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है, परम सत्ता यहां है, उसके पास जाओगे तो मुक्ति होगी, उससे साक्षात्कार होगा तो मुक्ति होगी, और मुक्ति हो रही है, परंतु उसके लिए असेंड करना पड़ता है। तो अरविंद ने कहा कि ये जो विकास है, जो केमिकली बदलाव आता है मनुष्य में, आराधना से आता है, नाम जप से आता है, मंदिर मार्ग भगवान के दर्शन करने से आता है, मगर वो मरने के बाद में जला दो या गाड़ दो, वो परिवर्तन अगले जीवन में नहीं जाता। तो महर्षि ने कहा कि ये विकास अगर एक आदमी में, एक ही जीवन में हो जाए, आपकी साधारण भाषा में निर्गुण और सगुण की सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, एक ही शरीर में हो जाए, तो वो बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब उसकी तस्वीर से आपको योग होगा, तो ये इनोसेंट में होगी। मेरे मैं आपको सूर्य बता, मैंने चाह के कोई काम नहीं किया, कोई शक्ति मुझे पुश कर रही है। तो एक विकास है हमारे शरीर में होने वाला, विकास है ये, सच्चिदानंद की अनुभूति है। मैंने वैज्ञानिकों को कहा कि ऊपर वाले तीनों को जब तक चेतन नहीं होंगे आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। चैलेंज वैज्ञानिकों को है मेरा, आप लोग तो सुनने को तैयार है, वो सुनने को तैयार होगा जी अप्लाइड साइंस। मैंने कहा एप्लीकेशन मैंने कुछ भी नहीं है, एड स्टिक कर दिया। मैंने उनका कहा आपकी साइंस जो है उसका विकास एक साइकोलॉजी तक है, साइकोलॉजी तक। पैरा साइकोलॉजी क्या होती है आप नहीं जानते हो? तो पश्चिम से आया जी आपकी पैरा साइकोलॉजी लेबोरेटरी में रिजल्ट देगी तो ही मानेंगे। माना, अच्छा वेलकम। अब वो रणबक्सी की लेबोरेटरी ने HIV नेगेटिव पॉजिटिव सैकड़ों आदमियों की एड्स खत्म हो गई। अभी अभी दिल्ली से एक औरत थी दीक्षा ली जोधपुर, वहाँ जयपुर में, तो वो एड्स तो खत्म हो गया, वायर अभी वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव नहीं हुए थे। वो तो प्रेग्नेंट हो गई तो कहा दिया एबॉर्शन करवा लो, एबॉर्शन करा लिया। अब वो धीरे धीरे नाम तो ध्यान से वो पॉजिटिव जो था बिल्कुल नेगेटिव हो गया, वायरल लोड रहे 20 से नीचे आ गया, तो अब कहने लगे जी अब संतान पैदा कर सकती हो। मतलब कितनी भ्रूण हत्या करा दी, अनर्थ निरर्थक। अरे अरविंद माथुर मेरा चेला है जोधपुर वाला, अभी वसुंधरा जी ने इंक्वायरी करवाई क्या बकवास कर रहा है, एड्स क्योरेबल कैसे है। तो जो दो केस आए माथुर साहब इलाज कर रहे थे इंक्वायरी करने के लिए भेजा, आश्रम गए तो उन्होंने कहा माधुर साहब आप भी दो केस आपने तो क्योर किए थे ना, वो मरे क्यों नहीं, आपके ट्रीटमेंट में थे बद्री और भंवर। और कहने लगा भाई नौकरी करता हूँ, वो मेरे दीक्षित शिष्य हैं अरविंद माथुर, दो 2,500 आदमी के बीच में दीक्षा लिया उन्होंने जोधपुर में। तो लोगों ने कहा जी आप क्यों नहीं बोलते हो? अब उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, मेरे को कह लिया गुरु जी बाहर घटने बटने में हम बच जाएंगे आपसे, एंटीबायोटिक ज़्यादा दे दिया बाहर कम हो गया, कम दिखा तो वेट बढ़ गया, आप वायरल लोड टेस्ट कराओ HIV वायरल लोड, वो जब 50 से नीचे आ जाएगा तो फिर दुनिया सरेंडर कर जाएगी, हम चाहे करें या नहीं करें। तब से मैंने वायरल लोड शुरू करा दिया, समझे, और हजारों को बिलो 20 आ गया। अभी एक दिल्ली का एक मुसलमान लड़का है, उसका वायरल लोड 7.5 लाख था, अब बिलो 20 आ गया। तो एक नाम जप और ध्यान से होता है भाई, ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई मिराकल नहीं है, ये मनुष्य जाति में होने वाला दिव्य विकास है। इस विकास की बात तो पैगंबरवादी धर्म नहीं जानते, हम ईश्वरवादी जानते हैं। तो एक विकास है भाई, ये कोई आश्चर्य नहीं है। अब जो मेरे में परिवर्तन आ गया वो आप सब में आ सकता है। अब वो तस्वीर से होने लग गया, अब कहीं भी बैठे ये हो जाता है। यहाँ भी लोग परेशान है जी तस्वीर से क्या करते हैं, मैंने कहा ये तो निर्जीव मैटर है ना, अब ये सजीव का फायदा क्यों कर रहा है भाई? सजीव का सजीव तो घाटा नफा कर सकता है,
परंतु निर्जीव इसमें तो कोई जीव ही नहीं है मेरी तस्वीर में, या स्टेचू बना लो कुछ ही बना लो, उसका ध्यान करने से यह क्यों हो जाता है? ये मनुष्य का उच्चतम विकास है, ये हमारा वैदिक दर्शन कहता है। मगर वो वैदिक दर्शन हमारा धर्म तो एक पतन के काल से गुजरता हुआ आ रहा है। आज तो पैगंबरवादियों का बोलबाला, चांद और तारे के पुजारी धर्म है। तारा ईसाइयों का, चांद प्लस कर दिया मुस्लिम धर्म। मगर सूर्यदेव होता तो चांद तारे की कोई कीमत होती है क्या? वही स्थिति उन लोगों के होने वाली है, बड़े परेशान है वो लोग मुझसे। मैंने उनको कहा मैं तो आपको एक ऐसी दिव्य प्रकाश की ज्योति दे रहा हूं जो आपकी पूरी मानवता को ठीक करेंगे। तो ये एक होने वाला ड्यू विकास है, ये न मिराकल है और न कोई वंडर थेरेपी है, ये हमारे दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार हो। महर्षि अरविंद ने कहा है आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। जो मैं बोल रहा हूं, महर्षि ने एक बात और स्पष्ट की कि ऐसा एनलाइटेड आदमी जब अपने शिष्यों को वैदिक मंत्र की दीक्षा देता है, उपनिषदों की देता है, उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए पथ प्रदर्शन करता है, तो उसकी शक्ति उस व्यक्ति की आवाज में है। मेरे में जो एनलाइटेडमेंट हो गया, वो जो मैं बोल रहा हूं ना, उसमें एक फोर्स है जो आपको महसूस नहीं हो रही अभी, मगर अभी जब ध्यान कराऊंगा ना तो आपको योग होना शुरू हो जाएगा, अलग अलग योग होगा, समझे? वो आवाज के अंदर अंदर चली कि ये बोल रहा है, मैंने आपको कहा ना बोल रहा है गंगाई नाथ, मैं तो माइक हूं भाई। तो इस प्रकार जो परिवर्तन आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत के अनुसार आ रहा है, ये कोई मिराकल नहीं है, समझे? अब साधक ध्यान में ये पातंत्र योग दर्शन पे बहुत जोर दे रहे हैं। तीसरे चैप्टर में वो विभूतिपाद है, विभूतिपाद उसमें साधक को क्या क्या सिद्धियां होती हैं उसका वर्णन है। तो उसमें एक वर्णन आता है कि 33 और 36 दो सूत्र है, उसमें उस साधक को जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सिद्धि होती है, उसको ऋषि ने कहा प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान। उससे साधक में जो विकास आता है वो ध्यान के दौरान साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है। आपके साइंस मानती है कि जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, अगर प्रॉपर मशीन है तो सुन सकते हो, मगर अभी नहीं सुन पा रहे। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द ब्रह्मांड में है तो बोलने वाला तो कोई रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव। वो कहता वो तो फिल्म बन चुकी, वो रिप्ले दिखाना है भाई, अभी जो घटना नहीं घटी, साल बाद, दो साल बाद, दस साल बाद घटने वाली है, और जो शब्द बोला जाना है वो आपको पहले सुनाई दे जाएगा, वो घटना घटती हुई पहले दिखाई दे जाएगी। विज्ञान हैरान है। तो इस प्रकार ध्यान जब करोगे तो जब भविष्य दिखेगा, पास्ट की तो कोई बात ही नहीं है, फ्यूचर दिखेगा, अनलिमिटेड फ्यूचर दिखेगा। तो ध्यान के दौरान आप अपने कई परिचित आदमियों की मौत देख लो, आया उसको जाना है ना, कोई 20 में, 40 में, 50 में, 100 में, परिचितों की देख के तो पता लगेगा ये फला आदमी, ये फला आदमी, ये फला आदमी। और इस तरह से 20-30-40 आदमियों की मौत दिख जाएगी, एक आध तो चार दो सारों की दिखेगी, जैसे दिखी वैसे ही मरे, तब फिर सोचना पड़ेगा कि तू कौन सा अमर रहेगा। दिख जाएगा अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में किस कारण से मरोगे। आदमी सबसे ज्यादा मौत से डरता है, कोई नहीं मरना चाहता, फिर भी बच नहीं सकता, तो भाई बचने के कोई उपाय नहीं तो फिर डरते क्यों? समझते बूझते भी डरता है, और मौत भी ऐसी है जो डरता है उसको डराती है। तो कबीर ने इस बारे में कहा है
जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। तो ये एक ऐसा विधान है कि मौत से फिर ये मौत का माया का आवरण खत्म, मौत की सच्चाई सामने आ जाती है तो फिर आदमी डरता नहीं, बेसब्री से इंतजार करता है कब छूटे पीछा इन झंझटों से, समझे। तो जब आपकी मौत दिखेगी तो फिर घबरा जाओगे, फिर जो जीवन में खोटे करे कर तो लिए ना, दुनिया से छिपा लोगे अपने आप से तो छिपा नहीं सकते, वो सामने आएंगे, आप अपनी तस्वीर देख के डरोगे, अरे भगवान ये तो गड़बड़ तो कर लिया हमने, तो तुम तो कहते हैं दयालु है माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे। एकदम जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी वो भगवान, और वो यहाँ कंसंट्रेट हो जाता है, बस प्रार्थना करता है, वो ईश्वर के अलावा उससे किसी का लेना देना नहीं, और वो यहाँ बैठा है पलक उड़ते ही उससे साक्षात्कार हो जाएगा। तो हमारा धर्म तो अरविंद स्वामी विवेकानंद के अनुसार साक्षात्कार करने का धर्म है, जिस धर्म में साक्षात्कार की बात नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार की बात नहीं होती, उसको धर्म करने का अधिकार नहीं, अमेरिका में कहा, समझे। तो ये एक विकास है भाई जो आप में होगा, ये जीवन मुक्त हो जाओगे। महर्षि अरविंद ने जिस योग की बात कही ना, उसमें कहा ये टेरिटोरियल इमोर्टेलिटी है, जीवन मुक्त होने का तरीका है, मरने के बाद में मुक्ति नहीं होती है, जो कर लिए उसके लिए भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, इस जीवन में सारे फांस कट जाएगी जीवन की, केवल ईश्वर के नाम जप से। एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है, दिव्य विज्ञान है, ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग बाकी योग जो है ना, सिद्ध योग में वो कुंडलिनी योग करवाती है, साधक नहीं करता उसको, रोक नहीं पाता, मगर इसका पातंजलि योग दर्शन का शायद 60% आदमी को ज्ञान नहीं था। स्वामी रामदेव जी ने मेहरबानी करके इस देश को कम से कम उस योग दर्शन की जानकारी तो दे दी, समझे। मैं तो पातंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ, 100% उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो अब आप ध्यान करोगे 15 मिनट ध्यान करो, मगर जप में जीभ और मुंह का प्रयोग नहीं, मानसिक जप, जीभ दून बस दिमाग से जपते रहो। अब मंत्र बता दूं, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, और जीभ नहीं रहना चाहिए। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो, कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी।